जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। आज मैं आप लोगों के साथ माता रानी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के प्रसाद की रेसिपी लेकर के आई हूँ। माता कात्यायनी को शहद का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आज का प्रसाद मैंने शहद से तैयार किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि शहद से प्रसाद किस तरीके से तैयार किया जाता है। माता कात्यायनी के लिए हम शहद का प्रसाद तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सेब को छील करके लिया है। अब इसे हमें घिस लेना है, यानी कि कद्दूकस कर लेना है। तो इस तरीके से सारे सेब को आप कद्दूकस कर लीजिए। सारे सेब को यहाँ पे घिस करके मैंने तैयार कर लिया है। सेब का कलर बहुत जल्दी चेंज होने लगता है, इसलिए ये प्रसाद हमें फटाफट बना करके तैयार करना है। मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम घी डाल देंगे, लगभग एक से दो चम्मच। अब घिसे हुए सेब को इसमें डालेंगे और इसको तीन से चार मिनट हम भून लेंगे। तो सेब को यहाँ पे तीन से चार मिनट हमें भून लेना है। सेब को भूनते हुए मुझे तीन से चार मिनट का वक्त हो गया है। अब हम इसमें मावा डाल देंगे, इससे जो प्रसाद है उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और अब इसमें मिठास लाने के लिए हम शहद डालेंगे, क्योंकि आज का प्रसाद हम शहद से बना रहे हैं, इसलिए सेब तो मीठा होता ही है। थोड़ा सा मिठास और लाने के लिए हम इसमें शहद डालेंगे। तो हम इसमें शहद डाल रहे हैं। माता कात्यायनी को शहद का प्रसाद बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप शहद चढ़ा सकते हैं या फिर शहद से बना करके कोई भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शहद इतना डालना है जितने में हमारी जो प्रसाद की रेसिपी है वो मीठी हो जाए। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं हल्का सा फूड कलर, इससे जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा और हमारा जो प्रसाद है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कलर चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका मन हो या फिर जो भी आपके पास हो, या फिर अगर नहीं चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। बट फूड कलर डालने से जो रेसिपी है काफ़ी खूबसूरत लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हैं और ड्राई फ्रूट डाल के सभी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बना करके तैयार करेंगे। मिक्स यहाँ पे हमारा ठंडा हो चुका है, तो लड्डू बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिस तरह से आप लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से आपको सेब के लड्डू भी बनाने हैं। सेब के लड्डू काफ़ी हेल्दी होते हैं और इसमें हमने शहद का इस्तेमाल किया है, तो ये माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देखिए हमारा एक लड्डू पूरी तरह से तैयार हो गया, और इसी तरीके से बाकी लड्डू को भी आपको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए माता कात्यायनी का प्रसाद मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, और इसी के साथ आज के प्रसाद की रेसिपी हमारी पूरी हो चुकी है। तो माता रानी के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि के प्रसाद की रेसिपी भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पर बने रहिएगा। जय माता दी।